नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड, जी हां, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज गया है और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं झारखंड में दो चरण 13 और 20 नवंबर को मतदान होंगे। दोनों राज्यों का परिणाम एक साथ 23 नवंबर को जारी होगा और ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड में कौन कितना तैयार है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव है, वहीं झारखंड में 13 और 20 नवंबर को चुनाव है। नतीजे 23 को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को, वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को, तो वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। काउंटिंग का और सारे इलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है। हम नहीं समझते किसी दूसरी जगह में इतना रोबस्ट सिस्टम हो सकता है, जहां एक एक पार्ट डिसाइडेड है। कल 6 बजे क्या होना है, 6:15 क्या होना है, 6:30 क्या होना है, एक पार्ट खुलेगा तब दूसरा जाएगा, किस जगह में कैंडिडेट होना है, काउंटिंग का भी ऐसे ही पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है। झारखंड के चुनाव में एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक या जेएमएम बनाम बीजेपी से अधिक सोरेन परिवार के अंदर की फाइट है। इन चुनावों में सीएम हेमंत सोरेन के सामने ये साबित करने की चुनौती होगी कि शिबू सोरेन की सियासी विरासत के वारिस वही है। विरासत की इस जंग में उन्हें अपनी ही भाभी सीता सोरेन की चुनौती का सामना करना होगा। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति के सामने सरकार रिपीट करने की चुनौती है। बीजेपी ने चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ये दावा किया कि सूबे में प्रो इनकम्बेंसी के वोट पड़ेंगे। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए सरकार के खिलाफ माहौल का दावा कर रहा है। एमवीए की कोशिश होगी कि इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सरकार बनाई जाए और उस दर्द पर मरहम लगाया जाए जो एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना विधायकों की बगावत, अजीत पवार की अगुवाई में एनसीपी की बगावत से गठबंधन को मिली है। तो जो हालात और जो स्थितियां हैं, उन सब में बेहतर परफॉर्मेंस करने की एक बड़ी चुनौती अब पार्टियों के सामने है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है और 20 नवंबर को महाराष्ट्र में, जबकि 13 और 20 नवंबर को झारखंड में, यानी कि झारखंड में दो चरणों में चुनाव होंगे जबकि महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होंगे। 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान हो जाएगा। जाहिर तौर पर वक्त कम बचा है। चुनावी तैयारियों की कोशिशों में अब जो पूरी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां हैं, वो लग चुकी है। अब ऐसे में ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि कितनी किसकी तैयारी फिलहाल देखी जा रही है और कौन कितना ज्यादा तैयार है इन विधानसभा चुनावों में फतह हासिल करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए। तो विधानसभा चुनाव का बिगुल पूरी तरह से बज गया है और ऐसे में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है और सबसे पहले समझते हैं कि महाराष्ट्र में सियासी समीकरण क्या कहते हैं। तफसील से चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। भरत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भरत सिंह जी, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, सर बहुत स्वागत है आपका। और संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है शिवसेना यूबीटी ग्रुप के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राकेश पोद्दार जी आपके साथ। सरकार को रिपीट करना कितनी बड़ी चुनौती महाराष्ट्र में फिलहाल देखी जा रही है? नेहा जी, सरकार को रिपीट करना, सरकार हमारी फिर से वहां जनता के आशीर्वाद से, जनता के विश्वास के साथ फिर हम लोग वहां सरकार बनाने का काम करेंगे। और हमारा एजेंडा हमेशा विकास के नाम पर ही होता है और आप देखे होंगे कि किस तरह हरियाणा में हम लोग ने तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया। तो यानी मोदी जी की जो गारंटी है और हमारे डबल इंजन की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार विकास के नाम से जानी जाती है। और झारखंड की बात रही, झारखंड में भी हमारी सरकार, हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है, इसलिए कहीं हमें दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में जो हम लोगों ने वादे किए थे जनता के बीच, उस वादे के पूरे मुकम्मल
करके और जनता के सामने हम लोग खड़े हैं। ठीक है भरत सिंह, भरत जी ये जो कह रहे हैं एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने वाली है, जो हालात और जो सिचुएशन जो परिस्थितियां है वो यही बता रही है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी महाराष्ट्र में। देखिए नेहा जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो होते हैं उसे देखना भी चाहिए और दिन में देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र को जिस मुकाम पे इन लोगों ने पहुंचाया है, ये तीनों पार्टी शिंदे हो चाहे अजित पवार हो चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, ये तीनों महायुति जिसका नाम दिया है, इन तीनों लोगों ने मिलकर जिस तरह से जहां लेके गए हैं वो सब पूरे महाराष्ट्र की जनता देखती है। महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि एक दूसरे जाति से जाति को लड़ाने का काम किया जा रहा है। मराठा को जो है ओबीसी से लड़ाया जा रहा है, ओबीसी को मराठा से लड़ाया जा रहा है। उसके बाद कुछ लुभावने चुनाव आने के ठीक पहले, चाहे वो लाड़की बहन योजना हो चाहे वो टोल फ्री जो कह रहे हैं, ये सब चीज देख रही है जनता कि चुनाव आने के समय ठीक एक महीना पहले या दो महीना पहले अगर दिया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है वो धोखा हो रहा है, क्योंकि चुनाव के बाद तो ये सब रहेगा नहीं। तो महाराष्ट्र की जनता इस चीज को भी समझ रही है। महाराष्ट्र की जनता ये भी देख रही है कि 90 के दशक में जिस तरह से गैंगवार हुआ करता था, गोलियां चलती थी, लूट मार मचता था, वो फिर से ये पिछले ही जब से 2.5 साल हो गया है। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के चुनाव में भी कह रहे थे ना कि हरियाणा की जो जनता है वो उठ चुकी है। लिहाजा आपने अच्छा प्रश्न किया है, उसका उत्तर ये है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में बहुत फर्क है। महाराष्ट्र की जनता ने ये देखा है कि यहाँ पे एक शिवसेना को दो शिवसेना नहीं किया गया। यहाँ महाराष्ट्र की जनता ये भी देखा है कि चाचा और भतीजा को आपस में लड़ा के, परिवार के अंदर लड़ा के जो है चुनाव नहीं कराया गया है या उस पार्टी को नहीं छोड़ा गया। ठीक है, महाराष्ट्र मैं संजय जी के करूं से पहले राकेश जी जल्दी से जवाब दीजिए कि महाराष्ट्र की जनता ने बहुत कुछ देखा है। महाराष्ट्र की जनता ने वो खेमेबाजी देखी है, वो गुटबाजी देखी है और पार्टी में दो फाड़ देखी है, जो सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, असली शिवसेना किसी के पास है? जनता के आशीर्वाद से एकनाथ शिंदे के पास है। और वो मुंगेरी लाल का सपना हम लोग नहीं कर देखते हैं, मुंगेरी हम लोग दिन में सपना देखते हैं और दिन में जो सपना देखते हैं वही काम को हम पूरा करते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा एक ही एजेंडा है, समाज को जोड़ना और समाज को जोड़ते हुए विकास के नाम पर महाराष्ट्र को मजबूत जोड़ने का काम अगर ये करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मनोज जोरांगे पाटिल कितने 1.5 साल से वो जो है भूख हड़ताल करते हैं, अनशन पे बैठते हैं, बार बार ये नहीं देखते कि ओबीसी में और मराठाओं में किस तरह से झगड़ा कराया जाता है। ये समाज की बात करते हैं, समझदार की बात करते हैं, महाराष्ट्र में ऐसा और 3 सप्ते जो है वो देखना बहुत जरूरी है। नया जी के पटल पे हम लोग फिर आएंगे, हम दिखाएंगे कि हमने जो जनता के सामने जो विकास की बात की। आपका हार्दिक स्वागत रहेगा उस समय जब चुनाव हो जाएगा, 23 तारीख को रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट आ जाएगा तो हम भी नया जी के साथ बैठेंगे और आपको जो है बताएंगे कि हम कैसे जीते चुनाव। आपको याद आती है 84 के दशक आपको याद नहीं आती है? 90 के दशक में कौन थे क्या थे पता? अरे भाई 90 के दशक को फिर से लेके आ गए। आपकी पार्टी का एक मंत्री को क्यों बुलाता है, उसको भी डाले गोली मार दी जाती है और उसके बाद आप करते क्या भाई? इसके बावजूद अगर किसी मंत्री की हत्या होती है तो ये बहुत शर्मनाक है। आपको तो संजय जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, जो हालात और जो स्थितियां हैं, क्यों लगता है कि आप लोगों की सरकार बनने जा रही है? ये तो कह रहे हैं इतना बेहतर हम लोग काम कर रहे हैं कि एक बार फिर से हमारी सरकार रिपीट होगी। नेहा जी जय श्री राम। जय श्री राम सर। मैं कह रहा था कि बात भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सही कही है कि इन्होंने जो विकास वादे किए थे वो वादे पूरे किए, सही किए इन्होंने। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था चक्की भिजवाई, अजीत दादा पवार को चक्की भिजवाई, इन्होंने वादा किया था ना कि वो जेल जाएंगे। वह जो मंत्री है एक वादा पूरा कर दिया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा मोदी जी ने दिया, उसमें क्या हुआ? इनके सांसदों ने जिन जिन के खिलाफ ईडी में केस दायर किए, शिकायतें की, उनपे केस चले, जैसे प्रफुल्ल पटेल भी है, तमाम ऐसे लोग है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और वो सब भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं और उनके मुख्यमंत्री बने बैठे हुए। तो इस तरह के महाराष्ट्र की जनता ने ये सब देखा है कि किस तरह अपने भ्रष्टाचारियों को पूरे देश में अपने साथ लिया और जिसको चक्की मिसिंग कर रहे थे, जिसको जेल भिजवा रहे थे, जो 70,000 करोड़ का जो अपराधी था जिसने गबन किया था, वह जो मंत्री है। तो जनता देख रही है, जनता ये भी देख रही है कि जिसे 30 साल का गठबंधन चल रहा था, जिसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी गोपीनाथ मुंडे ने शुरू करवाया था, जब कोई
कोई जानता भी नहीं था उस गठबंधन को तोड़ने का अपने जनता ने वो भी तो देखा होगा ना सर, जनता ने वो भी तो देखा होगा कि जिस पार्टी को जिस गठबंधन को मैंडेट दिया था। नहीं सुनिए संजय द्विवेदी जी, जनता ने वो भी तो देखा होगा कि जिस गठबंधन को मैंडेट दिया था वो गठबंधन ही अलग हो गया था, अपना मुख्यमंत्री बनने के बाद महत्वाकांक्षाएं किस कदर हावी हो गई थी वो नहीं देखा क्या? गठबंधन का गठबंधन का मैंडेट दिया हाँ। लेकिन जितने बार देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिलने गए हाँ। या उद्धव ठाकरे को लेके गए या शिवसेना किसी नेता को लेके संग में गए मुख्यमंत्री कहने जाते थे और बार बार प्रधानमंत्री कहते थे मैं सरकार बना रहा हूँ सरकार बना रहा हूँ तो क्या बिना शिवसेना के सरकार बन जाती? ठीक है राकेश पुद्दार जी, जनता ने तो वो भी देखा होगा जब आधी रात में शपथ ग्रहण समारोह शुरुआत करवा दी थी, शपथ दिलवा दी गई थी, जनता ने भी तो वो भी देखा था, नहीं देखा था क्या? राकेश जी मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ एक सेकंड राकेश जी। नेहा जी, बाला साहब ठाकरे हिंदू तो सनातन को मानने वाले थे, उनके सपनों को किसी ने चूर चूर किया तो उद्धव ठाकरे जी ने किया। हिंदुत्व का ठेका नहीं ले रखा ना सर भारतीय जनता पार्टी ने, आप लोगों ने ठेका ले रखा है क्या हिंदुत्व का? या बाकी पार्टी हिंदुत्व की बात नहीं करती है, सनातन की बात नहीं करती है? सुन लीजिए ना, आप अपनी बात करिए ना, बाला साहब ठाकरे ने क्या किया था क्या नहीं किया था वो भी देश की जनता ने देखा है। नहीं, बाला साहब ठाकरे के जो विचारधारा थे आप बताइए, बाला साहब ठाकरे के विचारधाराओं के साथ सब दिन उन्होंने कांग्रेस के साथ विरोध किया, आज उनके पुत्र जाके कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं, विचारधारा की बात हिंदू हिंदू की इसलिए करती है, हम धर्म और राजनीति को एक साथ ले चलने का काम करते हैं, अगर हमारा राजनीति होगा तो धर्म ही होगा, धर्म होगा तो राजनीति होगा, हमारा धर्म और राजनीति तुलसी जाति हमेशा कहते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता है, इसलिए आप देखिए हमारे 5000 वर्षों से चाहे महाभारत देख लीजिए चाहे रामायण देख लीजिए चाहे गीता की सार देख लीजिए सभी में धर्म और राजनीति पति और पत्नी का रिश्ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर साथ चलने की बात करती है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि विचारों को विचारहीन करने वाले उद्धव ठाकरे जनता आप जान चुकी है, आप लोगों को जो बाला साहब ठाकरे के जो विचारे थे उनको अपने अपने महत्वाकांक्षी के लिए सीट पे जाके मुख्यमंत्री बनने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा की बात हो रही। भरत जी, आप लोगों की विचारधारा और शिवसेना यूबीटी ग्रुप की विचारधारा अलग है, नहीं अलग है क्या? फिर आप एकजुटता की बात करते हैं, फिर आप गठबंधन की बात करते हैं, फिर आप एक साथ चलने की बात करते हैं, जनता में भी ये मैसेज जा रहा है ना, कैसे हो पाएगा? आपने सवाल जो पूछा है वो बहुत सही कहा है कि उनकी विचारधारा शिवसेना से अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, मगर एक साझा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोग साथ में हैं, मगर उस विचारधारा की बात जो अभी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं बैठ के राकेश जी, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात, हिंदू का ठेका लेके बैठ गए, ये महबूबा के साथ में क्या कर रहे थे कश्मीर में? जरा इनसे पूछिए क्या इनकी विचारधारा और उनकी विचारधारा दोनों की विचारधारा एक ही क्या? क्यों गए थे उनके साथ में, क्यों उनके साथ में जाके वहाँ पे सरकार बनाए? ये अपनी बात नहीं कहेंगे मगर ये महबूबा के साथ सरकार बनाए तो 370 लाया कश्मीर के अंदर, हम कश्मीर के अंदर हम लोगों ने विचारधारा को ताक पे रखा है ऐसे क्या कि चलो भाई हम बना ले तो साथ नहीं देश के आपका घर भी शीशे का है, आपका घर जो है वो भी शीशे का है, आपको भी पता चलेगा। तो ये कहना कि विचारधारा, देखिए इस देश में सबकी विचारधारा अलग हो सकती है, नेहा जी आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, जबरदस्ती तो आपसे कोई काम नहीं कराया जा सकता है, जब दो लोग अलग विचारधारा वाले मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एक समझौता होता है, उस समझौता के अंदर हमारा जो समझौता एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हुआ और उसी को लेके महाराष्ट्र की जनता के सामने हम आए और अच्छा काम किया। इसी वजह से ठीक है, देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता खासतौर पर जानना चाहती है ना, जब दो विचारधाराओं वाले लोग मिलते हैं तो उसके बाद नीति और रीतियों में क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? महाराष्ट्र का विकास कैसे होगा अगर आपकी सरकार बना दे? जब हम साथ में आए हमारी विचारधारा एक दूसरे से विपरीत होने के बाद तो भी इतना बढ़िया काम उद्धव जी ने कहा किया कि एक नंबर के मुख्यमंत्री का तनखा उनको दिया, देने वाला कौन भाई? क्या वो कांग्रेस पार्टी ने दिया था जो शरद पवार की पार्टी ने दिया था?
भाजपा उससे डर गई, जनता किसको मौका देती है, इसलिए तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन तारीखों का ऐलान हो गया है तो सभी ने कमर कस ली है और उम्मीद करते हैं कि सभी पार्टियां बेहतर परफॉर्मेंस देंगी अपना और जनता में एक बेहतर छाप छोड़ने की कोशिश करेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, आपका भी और भरत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कि दो चरणों में होंगे झारखंड के विधानसभा चुनाव, जो खबर आ रखी है उसमें तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान के साथ ही अब सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को और ज्यादा बेहतर करने की कोशिशों में लग गई है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय फिलहाल करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी लगातार जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हीरा लाल मांझी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जेएमएम के। आपका बहुत स्वागत है हीरा लाल मांझी जी। हीरा जी, किस तरह से फिलहाल तैयारी जेएमएम की देखी जा रही है, मौजूदा सरकार को रिपीट करना कितनी बड़ी चुनौती है फिलहाल आप लोगों के सामने? जी नेहा जी, चुनौती कुछ नहीं है, हम लोगों ने काम किया है झारखंड में और जिस तरह से भी माताएं बहने हमारी सरकार को लेके उत्साहित है, निश्चित तौर से हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है और हम लोग पुनः सरकार बनाएंगे, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं। हम लोग तो हमेशा तैयार ही थे, लेकिन कहा जा रहा है कि देखिए दूसरों के सामने जो विरोधी हैं उनसे निपटना तो ठीक है, विरोधियों से तो इंसान निपट लेता है, लेकिन खुद के लोग जब विरोधी बन जाते हैं तो फिर उनसे निपटना तो एक बड़ी चुनौती बन ही जाता है ना सर। देखिए बड़े घर है, घर में कुछ कुछ कोई नाराज हो उसके चलते हम कोई विरोधी वो नहीं हो जाते हैं। हम लोग का जो मिशन है, मिशन मोड में हम लोग काम कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है और जो भी लोग हैं अपना समझेंगे वो उनको, उसके लिए पार्टी हमेशा जो है और कार्यकर्ता जो ऐसे पांच काम सर, ऐसे पांच काम हीरा लाल मांझी जी जो आप लोगों ने झारखंड की जनता के लिए किए जिसका सीधा सीधे फायदा झारखंड की जनता को मिला, पांच काम आप देख सकते हैं नेहा जी। आपका मैया सम्मान योजना झारखंड में जो है, झारखंड ये पूरे देश में अभी का समय में वो चर्चा का विषय बना हुआ है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिजली माफ किया तो पूरे 200 यूनिट का जितने भी हम लोगों ने वादा किया था उससे अधिक किया, हम लोग 100 यूनिट का काम किए वादा किए थे लेकिन 200 यूनिट का बिजली हम लोगों ने माफी किया, जितने भी बकाया बिल था माफ किया, कृषि लोन माफ किया, बेरोजगारों को हमने, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत अनेकों लाभ दी, इसलिए हमारे सरकार का अनेकों योजनाएं हैं जो अनगिनत है, इसमें कहीं किसी तरह का कोई किंतु और परंतु नहीं है। हमें सरकार में आने वापस आने के लिए जो विपक्षी अपना ठीक है अपना समझे, ठीक है राकेश जी जवाब दीजिए, तो कह रहे हैं देखिए इतना बेहतर हम लोगों ने काम किया है कि एक बार फिर से सरकार रिपीट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, झारखंड में एक बार फिर से जेएमएम की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं क्योंकि हमने काम किया है। ठीक है ठीक है ठीक है, सुनते हैं नेहा जी। झारखंड की जनता जानती है हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल का और जनता जानती है किस तरह वहाँ पे जमीन का घोटाला हुआ और भी सारे माइंस में घोटाला हुआ जिस कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी जेल गए, जेल से निकले और जमानत पे बाहर हैं, पैरोल से बाहर निकले हुए हैं, ऐसे मुख्यमंत्री झारखंड के हैं और वो चंपई सोरेन की बात करते हैं, चंपई सोरेन जी का जो कार्य क्षेत्र है उनका जो अपना इलाका है वहाँ पे लगभग 18-20 विधायक जीत के आते थे, अब वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे करते हैं उस वादे पे कहीं ना कहीं खरा उतरने का काम करते हैं। रही बात हेमंत सोरेन जी के, हेमंत सोरेन जी ने झारखंड के अंदर कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया, अपने पार्टी के जो काम थे उसको बढ़ाने का काम किया, उससे ज्यादा समय बचा तो उन्होंने घोटाले का काम किया, कोई ऐसी योजनाओं नहीं थी जो धरातल पे उतरा। दो चुनाव चुनाव में देखने को मिलेगा झारखंड में झारखंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ, नेहा जी हम लोग बनाने का काम करेंगे, मोदी जी की जो गारंटी होती, मोदी जी के जो वादे होते, मोदी जी के वादे पे हम लोग वही काम करते हैं और हम लोग हमेशा विकसित
करने की बात करते हैं, मजबूत करने की बात करते हैं, किसी परिवार को बढ़ाने की बात नहीं करते, किसी पार्टी को बढ़ाने की बात नहीं करते। इन लोगों का एजेंडा हमेशा होता है कि जनता देश को दुरुपयोग करना, तुष्टिकरण करना, जनता का जनता देश का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवार हीरालाल जी, देखिए परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है, भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा, इन तमाम आरोपों के बीच चुनाव में अपने आप को पाक साफ दिखाना, ये जाहिर तौर पे एक बड़ा चैलेंज है हेमंत सोरेन के सामने। नेहा जी, भाजपा का तो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की बात करते हैं और परिवार को तोड़ते हैं, इसमें उनका अपना नहीं गिरवा में झांकते हैं कि वो क्या करते हैं। हमारी पार्टी किसी भी कोई भी परिवार की कोई बात नहीं करती है, ना ही परिवारवाद है। यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन ने कार्यकर्ताओं को इतना जमीन मजबूत करके रखा है कि इनका नींव नहीं हिला सकता है। बोलने से क्या होगा, आप वो परिवार को तोड़ के ले गए। आप बोलते हैं परिवारवाद है, कैसा परिवारवाद है भाई? जो राजनीति करता है वो अपने अपने क्षमता में करता है, उसमें परिवारवाद कहाँ से आ गया? और उनके कोई ऐसा सांसद नहीं है, कोई उनका उनका जो है बेटा विधायक नहीं बना है क्या? गिनती करे तो लिस्ट निकल के लंबा हो जाएगा, गिनती नहीं पूरा हो पाएगा। लेकिन ये सवाल तो तब भी उठ रहे थे ना, जब चंपाई सोरेन को हटाया गया था मुख्यमंत्री पद से। कहाँ बात है नेहा जी, हटाए कोई? झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी को हटाता नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पाठशाला है, यहाँ से लोग राजनीति सीखते हैं और दूसरे जगह लोग चले जाते हैं, तो हटाने कहाँ हुआ? उनको अपना मर्जी था, उनका अपना इच्छा था, चले गए। उसके लिए हम लोगों ने कभी नहीं चले नहीं गए। मैं तो मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात कर रही हूँ, पार्टी से हटाने की बात नहीं कर रही। वो स्वयं कहते थे कि हम ये सरकार बनी है माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, और उनका जैसा भी आदेश होगा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे और चले भी। सरकार नहीं भी हेमंत सोरेन के कैबिनेट नहीं, लेकिन झारखंड की जनता ने देखा ना कि उनको स्टेपनी की तरह इस्तेमाल किया गया। जनता ने देखा ना, तो नाराजगी उसी समय होता जब वो सरकार बनती, तो फिर सरकार बनी, उसमें कैबिनेट मंत्री बने। चलिए सर, कोई बात नहीं, झारखंड की जनता ने जो कुछ देखा है वो उसे कैसे मापती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि तारीखों का ऐलान हो गया कि जिस तरह से दो चरणों में चुनाव होंगे, ये चुनाव बेहद अहम है, ये तय कर देंगे कि क्या वाकई शिबू सोरेन की जो विरासत है वो हेमंत सोरेन के तौर पर अब स्वीकार करती है झारखंड की जनता या नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।